वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नर्सिंग 2025 की शेड्यूल क्लास के बारे में। आज हमारा जो सेकंड बैच है उसमें फर्स्ट क्लास है। इसमें बेसिकली आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोगों का पूरे जुलाई मंथ का प्लान क्या रहेगा, ठीक है, आपको किस तरीके से करना है और किस तरीके से ऐप के ऊपर चीज़ें आएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि हमारा 3 दिन का एक चैप्टर हम लेके चलेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे फर्स्ट डे में हम वीडियो लेक्चर कवर करेंगे, उसके थ्रू हम नोट्स भी बनाएंगे, और सेकंड डे हम उसके क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से आपका जो भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन अपने नोट्स में मार्क करोगे कि मेरा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस बार में सॉल्व नहीं हुआ या मुझे सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ी। देन ऑन द थर्ड डे व्हाट विल यू डू, आप लोग करोगे टेस्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है। तो ये 3 दिन ऐसे आपको एक चैप्टर के लिए यूटिलाइज़ करने हैं। अभी हम जो इस मंथ में हैं हम 3-3 चैप्टर लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट मंथ है, सो हम इसमें थोड़ा कम लेके चलेंगे, सो दैट आप लोग थोड़ा सा अडेप्ट हो जाओ चीज़ों को लेकर के। एंड जब आपका नेक्स्ट मंथ आएगा तो ऑब्वियसली 3 चैप्टर तो आपको यहीं रिवाइज़ करने रहेंगे, आपके एडिशन चैप्टर भी हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जुलाई से। आपका 6th को लेक्चर आएगा लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड का क्या आएगा, वीडियो लेक्चर। उसके बाद 7th को क्या आएगा, आप इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन बैंक आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। एंड 8th को क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे टेस्ट सोल्व करोगे जो कि टेस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे नोट्स बनाना इज़ डेफिनेटली मस्ट, बिकॉज आगे आप जब इस चैप्टर को रिवाइज करोगे आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है, कि आप दोबारा वीडियो देखो, क्वेश्चन सोल्व करो, टेस्ट करो, सारी चीज़ें करो, क्योंकि अभी पूरा फ्री है 3 दिन, तो आप लोग ये चीज़ नोट्स की बहुत अच्छे से बना सकते हो। इन द नेक्स्ट आपका 3 डेज, जैसे 9th को आपका GOC होगा, GOC का वीडियो लेक्चर आएगा, एंड 10th को आपका क्वेश्चन बैंक का PDF आएगा, एंड 11th को आपका टेस्ट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। तो 3 दिन यहाँ पे GOC को मिल जाएंगे। अब अगेन जैसे आगे को मान लो तुम्हारा यहाँ पे कोई, अब आगे को मान लो जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे इसके बाद में कोई ईजी चैप्टर आ रहा है, जैसे यूनिट डायमेंशन सपोज करो ईजी है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप GOC को क्या कर सकते हो, अगेन रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूनिट डायमेंशन इतना हार्ड नहीं है फिजिक्स में कर दे। जैसे अगर 12 को आप क्या करोगे, वीडियो लेक्चर, 13 को आप क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक, 14 को आप क्या करोगे, टेस्ट। यहाँ पे आपके पास में टाइम रहेगा रिवाइज करने के लिए, आई नो, तो उसमें आप GOC को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन, देन आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर आपका प्लांट किंगडम, फिर आपका हैलोजन, और फिर आपका मोशन इन प्लेन। अब यहाँ पे आप लोगों को 1 अगस्त का काम मिला हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा, आपकी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन थोड़ा सा अच्छे से हम कर पाएंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ऑर्गेनिक टफ भी होती है, तो हम यहाँ शुरू में ईजी चैप्टर्स के साथ अगर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का भी ईजी है, देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, ये हार्ड नहीं है, ठीक है, और बायो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए आसान ही है, तो ऑर्गेनिक को हम अच्छा टाइम दे पाएंगे और उसको बेहतर कर पाएंगे। और यहाँ देखिए 3 जो मेन चैप्टर हैं GOC के, GOC हो गया, हैलोजन हो गया, यहाँ पे हैलोजन भी कवर हो रहा है, और हाइड्रोकार्बन भी कवर हो रहा है, ये 3 जो मेन चैप्टर्स हैं। GOC से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हैलोजन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों हम साथ में कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब मान लो जब तुम्हारा अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, सपोज करो अगस्त का हमारे पास शेड्यूल आ गया, सो 2, 3, 4 को हमने एनिमल किंगडम रखा है, तो अगेन यहाँ पे आप क्या रिवाइज कर सकते हो, वन ऑफ योर प्रीवियस चैप्टर लाइक GOC, हाइड्रोकार्बन, जो भी आपको टफ लगाओ या आपको लगता है उसको रिवाइज करने की नीड है। आ गई बात समझ में। इन द नेक्स्ट अगेन 5, 6, 7 के पास में आपके पास में ऑक्सीजन कंपाउंड्स रहेगा, ऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो आप कोई भी अदर चैप्टर जो है साथ में वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 3 दिन आपके पास में बहुत होते हैं, तो हम इस तरीके से चीज़ें कवर करेंगे। शुरू में अगर आप थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे, क्योंकि आप एक होता है ना, अगर महीने में आप थोड़ी भी चीज़ें कवर करते हो बट अच्छे से करते हो, तो नेक्स्ट मंथ में जब आप करते हो तो आपके पास में एक बड़ा सर्कल आएगा, ठीक है, सिलेबस का, तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। सो कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं देखो आपको नोट्स का भी ट्राई करूँगी कि आपको मैं नोट्स भी शेयर कर दूँ, तो कि आप जस्ट उसमें से बना लो, बट मेक श्योर कि आप लोग चीज़ें कवर करो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एज से भी उतनी मेहनत हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपको पता चल गया होगा कि डाउट कहाँ पे है कहाँ नहीं है, तो भी आप पूछ सकते हो दीदी कहाँ किस तरीके से चीज़ें चलेंगी मुझे वो एक बार बता दो। तो ये आपका पूरे जुलाई मंथ का प्लानर मैंने शेयर किया हुआ है। अभी भी तुम्हारा कोई डाउट है कि हाँ किस तरीके से रहेगा या नहीं है, तो हेजिटेट नहीं करना, यू कैन कॉल मी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।